हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी प्रियंका हाजिर है आपके लिए फिर से आपकी पसंद का वीडियो लेकर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाने में जो है मुझे काफ़ी लेट हो गया है और इसकी वजह भी आप लोग हैं। और इस वीडियो को जो है मैं लाना ही नहीं चाहती थी और लेकर भी आई हूँ तो उसकी वजह भी आप हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो को क्यों नहीं जो है बनाना चाहती थी। फ्रेंड्स, मैंने जो पहले अपने दो आपके साथ योगा एक्सरसाइज या प्राणायाम, आप जो भी उसे बोल लीजिए, दो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने जो है उसे अपना ढेर सारा प्यार दिया। तो उन सभी के लिए शुक्रिया जिन्होंने उसे प्यार दिया। पर उनमें से ही, आप लोगों में से ही कुछ इतने से कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है मोटिवेट करने वाले कमेंट किए कि क्या मैम कोई साड़ी में एक्सरसाइज की जाती है क्या, आप जो है इस तरह साड़ी से एक्सरसाइज करते हैं, आप जो है एक्सरसाइज वाली जो ड्रेस है वो पहन के कीजिए, आप टी शर्ट पहन के कीजिए, लेगिंग्स पहन के कीजिए। तो भाई, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, मैं जो है उन्हीं लोगों की वजह से ये वीडियो शूट करना नहीं चाहती थी, पर आप लोगों में से जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे उन्होंने मुझे बार बार कमेंट किया और काफ़ी जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके भी जो है मुझे कमेंट आए, मेल आए कि मैम हम जब आपके वीडियो देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम जो है साड़ी ही पहनते हैं, हमें जो है साड़ी ही अलाउ है, साड़ी में ही हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो प्लीज़ जो है आप अपने इस तरह के जो वीडियो हैं वर्कआउट वाले, एक्सरसाइज योगा वाले, तो आप जो है उन्हें रेगुलर रखें, हमें जो है समय समय पर इस तरह के वीडियो शेयर करते रहें हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ अपने वीडियो से जो ये बोलते हैं कि साड़ी ही में कोई योगा होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये भारत देश है उसमें आज भी 80% जो महिलाएं हैं उनका जो वेशभूषा है वो यही है साड़ी। और गांवों में जहां हम जाते हैं, आजकल शहर में तो फिर भी जो है महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं, सूट है, लेगिंग्स, टॉप, कुछ भी एनीथिंग जो वो पहनना चाहती हैं पहन सकती हैं। और पर आज भी हम जब गांवों में जाते हैं तो गांवों में आज भी जो महिलाएं हैं उनको शादी के बाद एक ही ड्रेस अलाउ होती है, वो है साड़ी पहनना। तो मैं भी एक गांव से ही जुड़ी हुई हूँ, एक छोटे, बहुत छोटी जगह से हूँ मैं। और मैंने जो है जब से, मतलब मैं समझदार हुई थोड़ी, तब से मैंने जो है अपनी मम्मी को, ताई जी को, चाची को, दादी माँ को, भाभियों को, जिनको भी, मतलब घर में जो लेडीज थी उनको देखा तो वो साड़ी ही पहनती थी, उसके अलावा उन्होंने कभी कोई ड्रेस नहीं पहनी। और जब शादी होकर अपने ससुराल गई तो ससुराल में जो है मेरी सासू माँ है, मेरी जेठानी है, और हमारा जो परिवार है उसमें जितनी भी हमारी सासू माँ, जेठानियाँ वगैरह लगती हैं, वो सारी जो है वो ही ड्रेस पहनती हैं। और मैं भी जब ससुराल जाती हूँ तो मेरा भी वहाँ एक ही ड्रेसअप रहता है, सिर्फ साड़ी। और आई थिंक कि ये जो है, और ऐसा नहीं है कि साड़ी कंफर्टेबल फील होती है साड़ी में, ऐसा नहीं है कि साड़ी कंफर्टेबल नहीं होती, साड़ी कंफर्टेबल होती है आप लोगों के हिसाब से। तो या तो हमारी जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें या तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहती हैं, अपने फिगर को मेंटेन रखना चाहती हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहती हैं, तो या तो वो एक्सरसाइज ना करें, या फिर अगर वो एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो वो साड़ी ना पहने। तो भाई, ये जो मतलब आपके लोगों की इस तरह की ये सोच जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो आज और पर फिर जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे थे, महिलाओं ने मुझे इस तरह के कमेंट किए कि सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर ही हम जब वीडियो एक्सरसाइज के वीडियो अपने लिए देखते हैं साड़ी में, तो जो है हमें 5% वीडियो ही इस तरह के मिलते हैं। तो मैम, आप जो हैं हम लोगों को इस तरह के वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है वो साड़ी में ही है, और मैं जो है आप लोगों ने देखा है अधिकतर साड़ी ही पहनती हूँ मैं भी। तो आज का जो ये वीडियो है मेरा वो उन्हीं गांव की महिलाओं के लिए समर्पित है जो साड़ी ही पहनती हैं और साड़ी में पहनकर भी अपने आप को फिट और हेल्दी रखती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी जो ये भारतीय वेशभूषा है उसमें अपना योगा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जो है योगा करेंगे अनुलोम विलोम, जो आप सभी को आता है। हमें जो है एक नाक के एक छिद्र से जो है हम सांस लेंगे, दूसरे से निकालेंगे, फिर उसी से लेंगे, दूसरे से निकालेंगे। देखिए इस तरह से, और
तो फ्रेंड्स इसको जो है आप शुरू में 10 से 15 सेट आप जो है इसके कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आसन की तरफ और ये है डीप ब्रीथिंग। तो इसमें जो है हमको गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। इसमें जो है आपको सांसों को रोकना नहीं है और इस तरह से जब मैं हाथों को करूँगी तो यानी जो है मैं गहरी सांस ले रही हूँ और इस तरह से जब हाथों को करूँगी तो आपको समझ जाइए कि मैं जो है सांस को छोड़ रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स डीप ब्रीथिंग और ये जो योगा है जब आपको टेंशन होती है या आपका माइंड ठीक नहीं है तो इसमें जो है आप जब इस तरह का योगा करोगे तो आपकी जो है टेंशन तनाव है वो कम होने लगता है और ये जो आसन है आपको खुश रखने के लिए भी जो है अच्छा साबित होगा। हम चलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले आसन यानी बटरफ्लाई आसन, जिसे तितली आसन भी जो है बोला जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है, अपने पैरों को आगे करना है, इस तरह से जो है मिला लीजिए। ये देखिए मैंने जो है एडी से एडी को मिला लिया है और अपने जो पैरों की उंगलियां हैं उनको भी बिल्कुल मिला लिया है। तो इस तरह से अपने हाथों को बांध लीजिए और इसे जो है पैरों के नीचे इस तरह से रखिए और इस तरह से जो है आपको रहना है और आपको जो है अब अपने पैरों को बटरफ्लाई जैसे तितली अपने पंखों को हिलाती है ना, उस तरह से जो है हमें अपने घुटने हैं उनको मिलाना है। और ये ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके जो घुटने हैं ना वो बिल्कुल लेवल में हो, ऊंचे नीचे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं इस तरह से तो आप जो है अपने दोनों घुटनों के नीचे पिलो या कोई भी कुशन है या ब्लैंकेट है वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे करेंगे, धीरे धीरे ही जो है हम इसे करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल आसन है, आप चाहें तो ये जो आसन है उसे आप जो है प्रेगनेंसी में भी कर सकती हैं। ये जो है आपके लिए बिल्कुल सेफ आसन है और इसे जो है आप कितनी बार भी कर सकते हैं, जितनी बार आप करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं मार्जरी आसन की तरफ, जिसे बोला जाता है कैट काउ पोज। इसके लिए जो है हमें सबसे पहले इस तरह से अपने घुटनों पर बैठ जाना है और ये जो पल्लू है मुझे प्रॉब्लम करेगा तो इसको जो है मैं टक कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम लोग बैठ जाएंगे और आप चाहें तो फ्रेंड्स आपके जो ये पैर हैं उनको आप टच करके भी रख सकते हैं इस तरह से। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए और आपके जो ये घुटने हैं उनको भी जो हमारे हिप हैं उनकी बराबर खोल लीजिए इस तरह से। ये मैंने खोल लिए हैं और अब जो है और आपको अगर घुटनों पर चुभता है तो आप चाहें तो पिलो लगा सकते हैं, कोई कुशन लगा सकते हैं, टावल लगा सकते हैं, ब्लैंकेट लगा सकते हैं। तो ये देखिए मुझे जो है थोड़ा सा ये फर्श चुभ रही है तो मैं ये लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है आपके घुटने पर जो है फर्श बिल्कुल नहीं चुभेगा। और अब जो है हमें अपने हाथों को इस तरह से रखना है, इस तरह से ऐसे फैला के नहीं रखना है। आपके जो है आपके ये हाथ की कलाइयां हैं वो मतलब हाथों वाला जो पंजा है ना आपका वो आपके जो शोल्डर है उसकी सीध में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने जो है ये कर
कर लिया है और आपकी जो गर्दन है वो ना तो ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए, आपको जो है गर्दन आपकी सीधी रखनी है इस तरह से। और आपको जो है फ्रेंड्स अपनी ये इस समय जब योगा करोगे तो आपका जो ये बैकबोन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और हमारी जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जैसे ही हम जो है ब्रीथिंग लेना स्टार्ट करेंगे यानी गहरी सांस लेंगे तो हमारा जो ये टमी है वो नीचे की तरफ झुकेगा और गर्दन जो है ऊपर की तरफ हो जाएगी और जैसे ही हम सांसों को छोड़ेंगे तो हमारा जो टमी है वो ऊपर की तरफ जाएगा और गर्दन नीचे की तरफ आएगी। इस तरह से देखिए ये पोजीशन हमको लेनी है और अब स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा मार्जरी आसन। इससे जो है आपको किस तरह से रिलैक्स होना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है आप इस आसन से रिलैक्स हो। तो ये देखिए इसको जो है रिलैक्स आसन भी आप जो है बोल सकते हैं। देखिए इस तरह से जो आपके हाथ हैं उनको आप थोड़ा सा और आगे ले आइए और बॉडी को जो है इस तरह से आपको अपनी जो हिप्स हैं उनको जो है अपने पैरों से टच करना है इस तरह से। देखिए गर्दन को नीचे लेके आना है, तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं ताड़ासन योगा जिसे भी माउंटेन पोज भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस जो योगा है ताड़ासन या माउंटेन पोज इसमें जो है हमें अपने पैरों को खोल लेना है ये देखिए और पैरों के जो बीच में जो है हमें अपना जो हमारा हिप गैप है उतना ही गैप जो है हमें पैरों के बीच में रखना है। हमारी जो दोनों हाथ है वो हमारी थाई पे रहेंगे और अब जो है हमें अपनी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है। देखिए इस तरह से अब सांसों को एक्सहेल करेंगे और इस तरह से जो है हमारी उंगलियां हैं इनको आपस में इस तरह से जो है फंसाएंगे और इस तरह से अपनी सर के ऊपर इन्हें हम रख लेंगे। फिर हम फिर से जो है इनहेल करेंगे और ये जो हमारे हाथ हैं इनको सर के ऊपर करेंगे जितना ऊपर हम कर सकते हैं। देखिए सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। फ्रेंड्स ये जो ताड़ासन है वो हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखता है साथ ही जो हमारी हेल्थ अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव करता है और हमारी जो ये ब्रीथिंग है उसको स्टडी बनाए रखने में हेल्प करता है। ये था हमारा ताड़ासन योगा जो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और आज के जो ये योगा हैं फ्रेंड्स वो हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और हमें जो है डेली थोड़ी समय निकालकर अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। योगा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, स्वयं भी करनी चाहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कराना चाहिए। तो आज का जो ब्लॉग है उसे मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो ये मेरा योगा ब्लॉग है वो पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और अभी तक आपने हम मेरे पहले वाले जो योगा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें भी देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। जितना प्यार और सपोर्ट आपने मेरे उन दो वीडियो को दिया था, उतने ही प्यार और सपोर्ट अपने इस वीडियो को भी दीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है और मेरी जो है रील्स नहीं देखी है तो आप जो है मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी रील्स वहां देख सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के नाम से ही है, आपकी प्यारी प्रियंका, तो वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे अगर फेसबुक पर भी लाइक करना चाहते हैं तो मेरा पेज है वहां पर, आपकी प्यारी प्रियंका के नाम से, वहां पर आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से आपकी ही पसंद की वीडियो के साथ।